शेयर मार्केट से कमा के। और उन्होंने कहा है कि जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे आप वीडियो देखते हो हमारा, और हमारा वीडियो देखते हो तो आप क्या करते हो सकता है कि पूरा वीडियो आप देखते होंगे, और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्किप करके सिर्फ नाम जान लेते हैं। नाम जान लेने से उनको ये पता नहीं चलता कि हम जो इस स्टॉक में यदि इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, उसका रीजन पता नहीं होता। और जब रीजन पता नहीं होता तो उसमें जब उस शेयर में जब हलचल होता है, जब उसमें उतार चढ़ाव होने लगता है तो वो घबरा जाते हैं, और घबरा जाते हैं तो उसमें फिर वो या तो सेल करके निकल जाते हैं या लॉस में चले जाते हैं। तो जब आपको सही पता रीजन पता होगा कि हम क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यदि वो आपको उस पर तब आप जब उसका सही रीजन जान के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता होगा उस पर, और उस कंपनी पे आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो वो कभी ऐसे गिरावट आए भी, जैसे अभी किस टाइम में मार्केट चल रहा, गिरावट आए भी तो आप उसमें जम के बने रहेंगे, क्योंकि आपने उस पर कुछ सोच के इन्वेस्ट किया है। तो आपको ये स्टॉक के बारे में, आपको स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लेना है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है, किस लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आइए देखते हैं कि हमारा पहला कंपनी कौन है। हमारी पहली कंपनी है सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड, पेंट बनाने वाली कंपनी। इसका एक महीने में देखेंगे तो ये गिरी है, लगभग 5-6% नीचे गिर चुकी है, और 6 महीने में ये देखेंगे तो ये 27% का रिटर्न दिए। 6 महीने में गिरावट आया है यहाँ से, यहाँ टॉप से आप देखेंगे नीचे तो ये लगभग 12-13% नीचे गिर चुकी है। अब पर एक साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 21% का रिटर्न दिया है उसके लिए जिसने यहाँ एंट्री लिया था 300 पे। लेकिन जब ये नीचे गिरी थी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे गिरा था, तो जिसने यहाँ पे लिया होगा उसके लिए अभी भी अब रिटर्न देखेंगे तो 27-28% है, इससे ज़्यादा ही है। तो ये जो गिरावट है एक गिरावट मौका होता है। और सिरका पेंट का आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए 450% का, क्या गजब का रिटर्न दिया। धीरे 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 पैसा बनाए जा रही है और अपने इन्वेस्टर को रिटर्न पर रिटर्न दिए जा रही। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये ज़बरदस्त ग्राफ होता है। अब इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़, स्मॉल कैप की कंपनी है। ROCE 25 अच्छा है, ROE 18 ये भी ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेन देखने वाली बात है वो आप इसके देखेंगे सेल्स। सेल्स क्या है, 2011 में 22 करोड़ करने वाली कंपनी 2023 में 264 करोड़ की सेल कर रही है, और 264 करोड़ की सेल करके कंपनी 46 करोड़ की प्रॉफिट कमाती है। और 46 करोड़ की प्रॉफिट कमाने के बाद इस कंपनी का जब आप ग्रोथ देखेंगे तो ये देखिए इसमें क्या है, 24% का 5 साल में सेल्स ग्रोथ, फिर 25%, और अभी तक में 22 हो गया, तो ये 22 से ऊपर जाना चाहिए, चला जाएगा ऐसे लगता है। अब इसमें देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, ये सेल्स ग्रोथ था और ये प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल में 19%, फिर 23%, फिर 27%। तो इस तरीके से कंपनी में ग्रो होना चाहिए, और जो इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बाकी कंपनी का प्रोडक्ट सही होना चाहिए, तो प्रोडक्ट आप इसके सिरका पेंट के बारे में है, ये वुडन पेंट बनाती है। और जब आप इससे भी पता लगेगा कि कंपनी पर कितने लोगों का भरोसा, प्रमोटर्स के पास कितना है, 67, खुद में भी विश्वास है, और लगभग 6% है FII के वालों के पास, और DI वाले के पास नहीं है अभी। तो ये कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पर आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसको रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको क्यों इसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरी जो बड़ी रिटर्न देने की संभावना है और जो बड़ी रिटर्न बना के देगी वो है हमारी ज्योति रेजिन सैनिटेशन, गजब की कंपनी है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी केमिकल मार्केट में थोड़ा प्रेशर के वजह से ये ऊपर नीचे कर रही है, वरना ये आपको इस रेट पर नहीं मिलने वाला है, या नहीं मिलता। यदि ये 1400 पे मिलता है तो समझिए लक है, और वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे, 7000% का रिटर्न दिए, गजब का रिटर्न दिए इस तरह का रिटर्न। और मैक्सिमम देखेंगे तो 30000% का रिटर्न दे चुकी है। मार्केट कैप अभी भी मात्र 2000 करोड़ है, और इसकी अर्निंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीजन देखेंगे आप, मार्केट कैप कितना, 1900 से नीचे, स्मॉल कैप, PE 36, और इसका ROCE देखो 72.9 को हम 3 कहेंगे, ROCE 73%, ROE 55%,
यदि कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी का ROC 72 और ROE 55 है तो आप मुझे ऐसे कमेंट करके बताएं, मुझे भी देखना है ऐसे। इस तरह की कंपनी नहीं मिलेगी, यदि आप मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं देखता हूँ कौन दूसरी कंपनी है। नहीं के बराबर है, बहुत कम ऐसी कंपनी जो फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर, डिजिटल में हो सकता है लेकिन फिजिकल में रेयर केस, और ये उसमें से रेयर है। और इसकी आप अर्निंग देखेंगे तो आपको पता लगेगा, तब आपको समझ में। देखिए 7 करोड़, 2012 में 7 करोड़ कमाने वाली कंपनी 261 करोड़ कमा रही और प्रॉफिट कमा रही 46 करोड़। और इसका अर्निंग देखिए 38 रुपया 39 रुपया एक शेयर पर कमा रही। और इसके आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 38%, 37%, 53%, 18%, प्रॉफिट ग्रोथ 56, 113, 81, 111, इस हिसाब से बढ़ रही। और इसका शेयर पैटर्न भी देखेंगे तो शेयर पैटर्न का जो है 50-51% प्रमोटर्स और FII पास 0.5% है। कंपनी आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न देने की संभावना इसकी ऐसे है। और ये वुडन फेविकॉल की सबसे बड़ी कंपटीटर है ये कंपनी ज्योति रेजिन्स। फेविकॉल बहुत लार्ज कैप हो गई है, लाखों की कंपनी है मार्केट कैप की, और ज्योति रेजिन्स अभी स्मॉल है इसलिए ये अच्छे रिटर्न दे सकती है। दूसरी हमारी है इन्फ्रा की कंपनी लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर। लिखता का शेयर देखेंगे एक महीने में 6% भागी है, 6 महीने में देखेंगे तो भी इसका 11% है, और एक साल में 76-77% स्मूथली नीचे ऊपर करके जा रही। और इंफ्रा की ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, मात्र 12,000 करोड़ की कंपनी है। और इसका आप अर्निंग देखेंगे तो बहुत अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप 1200 करोड़, ROCE 36 और ROE 27, तो इसको अच्छा ही कह सकते हैं, बढ़िया कंपनी। और ये इंफ्रा की कंपनी, और आप इसमें देखेंगे तो इसमें डेप्ट ना के बराबर। इसका सेल्स आप देखेंगे तो सेल्स 2012 में 31 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 350 करोड़ पहुंचा दिया। और ये कंपनी 350 करोड़ में 60 करोड़ की प्रॉफिट करती है। और इसका जब सेल ग्रोथ देखेंगे तो 24, 32, 30, 32, 40, 53, 44 इस तरीके से बढ़ रही। और इसका बैलेंस शीट देखेंगे, इसके पास रिजर्व है 230 करोड़, और इसके पास बोरोइंग कुछ नहीं है, कर्ज कुछ नहीं, कर्ज मुक्त कंपनी है ऐसी कंपनी। और इसके जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70% प्रोमोटर्स के पास है, प्रोमोटर्स को पूरा विश्वास है। दूसरी हमारी है ड्रीम फॉक्स सर्विस प्रोवाइड वाली करने वाली कंपनी, 6 महीने में गिरी है, 13% रिटर्न है, लेकिन इसका रिजल्ट आता है तो ये आपको कभी भी 500 के नीचे नहीं मिलने वाला है, ऐसी कंपनी है ये। मोनोपोली कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, देखो इंडियन एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटेड कंपनी, एयरपोर्ट पे जो लॉन्च मिलता है वो ऐसी यही सर कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंपनी है जिसको मिलने का चांस कम है इस रेट पर। और इसकी आप अर्निंग देखेंगे तो उसे पता लगेगा, मार्केट कैप मात्र 2600 करोड़, और इसका ROC देखो 77 और ROE 60। ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, इसके पास प्रोडक्ट 26.9 ROC बहुत अच्छा है, और ROE 60 बहुत अच्छा कह सकते हैं, और बहुत अच्छा है। और इसका आप सेल देखेंगे तो सेल 166 करोड़ के सेल को पहुंचा दिया, 773 करोड़, डबल हो गया, जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया 22 से 23 में। और ये कंपनी का लगातार आप देखेंगे तो सेल बढ़ रहा है, और उसके पास प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा, थोड़ा सा के बीच में घट रहा था लेकिन कंपनी अच्छी है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा, सब FII DII सभी ने जमा के रखा है इसमें, थोड़ा सा कम किया है इसने सेप्टेम्बर में, लेकिन दोनों ने बढ़िया स्टेक रखा है। उसके बाद दूसरी हमारी फाइनेंस की कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बहुत अच्छी कंपनी, नई लिस्ट आई है, नई आई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसको, अब देखेंगे तो एक साल में 82% दिया अभी भी। और ये देख रहे हैं 2022 के नवंबर में आई, अभी एक साल भी नहीं हुआ कंपनी को, और 76% रिटर्न दे दी है, और लगातार ये अच्छे परफॉर्म दे रही है। और 11 के PE पे है तो बहुत सस्ता है। और इसका जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्केट कैप 6000 करोड़ है, और इसको फाइनेंस में ROCE 14 सही है, और ROE 21 है, ये भी बहुत सही ही कह सकते हैं इसको, और बढ़िया है। और इसकी आप सेल देखेंगे तो 2018 में 266 करोड़ की सेल 1742 करोड़ तक पहुंचा दिया 2023 में। और ये कंपनी का आप देखेंगे सेल तो वो भी लगभग बढ़ रही है 46-34, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो
इस साल में हिला दिया, 1789 कर दिया इस तरह का रेयर के होता है जिस तरीके से नंदी है। और उसके बाद अब इसका ये देखेंगे होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 68%, उसके बाद फिर 5.5%, उसके बाद 16.5%। साढ़े 16% का DI वालों ने इतने बड़े स्टेक बढ़ाया है, कहना मुश्किल है। जनता के पास सिर्फ 9.5% है। तो ये सब शेयर हैं जो हमें आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है।